नेक्स्ट जेनरेशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन चीजों को बदल नहीं सकते या आप अपनी आदतों को नहीं बदल सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उन सब चीजों के लिए ये मॉडलिटी बनाई गई है, दिस इज कॉल्ड फैमिली कॉन्स्टेलेशन। ओके, कॉन्स्टेलेशन जैसे आपने सुना है स्टार कॉन्स्टेलेशन की, जहां पे जो स्टार रोज होता है वो वहीं पे आपको मिलेगा रोज, राइट। उसके अलावा उसकी कोई दूसरी जगह नहीं। इसी तरह ऐसे जब आप पैदा होते हैं तो आपकी एक जगह होती है आपकी फैमिली में, ओके। उसी जगह को आप बिलोंग करते हैं और वही जगह आपको ये फीलिंग देती है आई बिलोंग टू दिस फैमिली। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आपको लगता है बिलोंग टू माई पेरेंट्स, ठीक है, कि मैं अपने पेरेंट्स से बिलोंग करती हूँ। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है देन यू बिलोंग टू योर इन लॉ साइड फैमिली, क्योंकि अब आपका जो बच्चा आने वाला है वो आपके और आपके हस्बैंड के डीएनए के साथ आगे जाएगा। हो सकता है कुछ चीजें वो अपनी मदर से ले, कुछ चीजें वो अपने फादर से लेगा, ठीक है। इन फैमिली कॉन्स्टेलेशन हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 70% चीजें जो हैं, जो भी है आपकी लाइफ, उसमें हेल्थ, मनी और आपका जो रिलेशनशिप है, ये सब कुछ आपको अपनी माँ से मिलता है। फादर से आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं और आप स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अगर आज मैं बोलूँ, आप में से कितने लोग हैंड रेस कीजिए, मैं आपसे डिटेल नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन इफ यू हैव एनी रिलेशनशिप इश्यूज इन योर लाइफ, हाउ मेनी ऑफ यू रेज योर कंप्यूटर हैंड। बस इतने ही लोगों को रिलेशनशिप इश्यू है। रिलेशनशिप इश्यू का मतलब ये नहीं है कि केवल हस्बैंड का या जो भी है, रिलेशनशिप इश्यू मतलब आपके बच्चों से, आपकी सास से, आपकी ननद से, आपकी मम्मी पापा से, यहाँ वहां जहां भी है, मतलब यू आर नॉट हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप। सो आप में से जितने भी लोगों को ये रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आप सबको अपनी मदर के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि फैमिली कॉन्स्टेलेशन का मतलब ही ये है जो आपकी जगह है आप वहां पर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी बच्चे का फादर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो जब बच्चा बड़ा होगा, मान लीजिए वो बच्चा 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था, तब उसके फादर की डेथ हो गई, तब वो शायद बच्चा नहीं समझेगा कि व्हाट इज फादर, पापा क्या चीज होती, लेकिन बड़ा होगा तो उनको ढूंढेगा, बिकॉज वो बाहर देख रहा है कि सबके पापा है, मेरे ही नहीं है। तो सबकॉन्शियसली क्या होता है, कॉन्शियसली मे बी कि वो अपनी मम्मी के साथ खुश रहे, वो आगे बढ़े, लेकिन सबकॉन्शियसली वो बच्चा अपने फादर को ढूंढेगा और उसको ये समझ में आएगा कि जो मेरे फादर की जगह है वहां पे कोई नहीं है, राइट। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, ये जो पपेट्स हैं, ये सारे जो पपेट्स हैं, ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन के लिए ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इन पपेट्स को यहाँ रखती हूँ, ठीक है। अब ये समझो कि ये मदर है और ये उसका फादर है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। और ये जो है ये वो बच्चा है जिसके फादर की डेथ हो गई, समझो कि ये डेथ हो गई फादर की, अब यहाँ फादर नहीं है, ठीक है, मैंने फादर को हटा दिया। अब नाउ अब ये बच्चा अपने फादर को तो ढूंढेगा, करेक्ट। हर बच्चा अपने फादर को चाहता है, चाहे उन्हें जो भी है, तो ही विल ऑलवेज बी लुकिंग दिस साइड, ओके, कि वेयर इज माई फादर, ये जगह है ना फादर की, मदर के साथ ही तो जगह होगी यहाँ पर फैमिली में, करेक्ट, यस और नो, राइट। सो यहाँ पे अब क्या होगा कि वो जो फादर में लॉस्ट हो जाएगा ये बच्चा, अब ये बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, और ये बच्चे की हमने शादी कर दी, ये इसकी वाइफ आई, ठीक है, वाइफ हमेशा लेफ्ट में और हस्बैंड हमेशा राइट में, ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ फैमिली कॉन्स्टेलेशन, ओके। अब ये जो बच्चा बार बार ये इधर देख रहा है, तो इसकी जब वाइफ आएगी तो उसको क्या फीलिंग आएगी, बताइए आप लोग। मदर की तरफ इनक्लाइंड है, और कोई मैम ओवर प्रोटेक्टेड रहेगा। और कुछ और कोई बताना चाहेगा, ट्राई व्हाट उसको इज अपने अटेंशन पिता, ही अपने नीड्स, फादर इन इन लॉ लॉ की की कमी प्लीज। महसूस होएगी ना, हाँ तो अपने वाइफ को फादर क्या इन लॉ फील की होगा, कमी महसूस नहीं होएगी। वो उसको मेरे हस्बैंड को क्या मिस हो रहा है, व्हाट इज ही लैकिंग।
या नंदिनी जी ने तो किया हुआ खाली है, खाली तो नंदिनी जी खाली नोज। तो उसका बेसिकली संगीता जी, कैन आई सी यू, कैन आई टॉक टू यू? संगीता जी, हाँ जी, सो आप क्या बोलना चाह रही हैं? आप म्यूटेड हैं संगीता जी। सॉरी मैम, उनको निग्लिजेंस लगेगा कि जैसे मेरे हस्बैंड मुझे निग्लेक्ट करके दूसरी तरफ जैसे देख रहे करेक्ट, हैं, ये बात एकदम ये सही है। लगेगा। शी विल फील माई हस्बैंड इज नॉट प्रेजेंट, वो अपनी जगह पे है ही नहीं, बिकॉज बेसिकली मेंटली वो कहाँ है, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इनका बच्चा आएगा, करेक्ट? अब क्योंकि ये तो मेंटली यहाँ पे है, ये अपनी जगह पे ही नहीं है, तो ये बच्चा कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि फादर तो है ही नहीं, फादर इज नॉट प्रेजेंट, तो ये कैसे बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये मेरा बच्चा अभी से इतना मेच्योर बिहेव करता है, ठीक है, ही विल बिकम द फादर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पापा मेरी तरफ तब देखेगा जब मैं खुद उसका फादर बन जाऊंगा। तो अभी क्या होगा, इनको यहाँ पे रखने के लिए ये बच्चा, ही विल बिकम द फादर ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द फादर। सो बेसिकली जिसकी जगह यहाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ हुई, बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, जब आपके घर में अनटाइमली डेथ हो जाती है, अर्ली डेथ हो जाती है, तो वो जगह खाली हो जाती है। अगर कोई अपनी पूरा जिंदगी जी करके गया है, तो उसके बिलीफ सिस्टम, उसके एक्सपीरियंसेस आपके अंदर ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब कोई इंसान अपने समय से पहले चला जाता है, तो उसकी जगह जो है खाली हो जाती है, जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ले लेती है। तो जनरली ऐसा देखा गया है, ऑल टुगेदर 3 जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा बच्चा है, और मेरे पेरेंट्स हैं, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अगर मेरे बेटे का कोई प्रॉब्लम है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लिया हो। ऐसा रूल नहीं है, बट जस्ट कि हम इतना सोच सकते हैं। तो नाउ लेट मी कम बैक टू द बेसिक ऑफ दिस थेरेपी। दिस थेरेपी कॉल्ड फैमिली कॉन्स्टेलेशन, बिकॉज यहाँ पे जिसकी जो जगह होती है वो हम उसको उसकी जगह पे रखते हैं, सो दैट आने वाली जनरेशन फ्री हो जाए। अब जब हम कॉन्स्टेलेशन करेंगे, तो हमको ये फीलिंग आएगी, दिस फेलो इज बिहेविंग लाइक फादर्स फादर, ठीक है, तो हम उसको रियलाइज करवाएंगे खड़ा करके, सी दिस इज योर फादर, दिस इज नॉट योर सन, क्योंकि सबकॉन्शियसली वही सब चल रहा होगा उसके माइंड में। तो जब इसकी भी वाइफ आएगी ना, तो क्या बोलेगी, ही इज बिहेविंग वेरी मेच्योर, ये तो थे ही नहीं, और ये तो बहुत मेच्योर बिहेव करता है। तो उसको लगेगा नहीं कि दैट आई एम लिविंग विद माई हस्बैंड, उसको लगेगा आई एम लिविंग विद द ओल्ड मैन, राइट? आपने अपने घरों में कितने लोगों ने ये चीज महसूस की कि ये पर्सन अपनी उम्र से ज्यादा या उम्र से कम बिहेव करता है? डू यू सी, अगर किसी बच्चे को आपकी किसी भी फैमिली में, किसी की भी फैमिली में, अगर उसको घर से निकाल दिया या घर छोड़ के भाग गया, जिसको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, क्या हुआ, कहाँ गया, है दुनिया में, नहीं है, तो क्या होता है, आने वाली जेनरेशन उसका रिफ्लेक्शन आपको देती है। अभी एक लेडी मेरे पास आई थी, वो बोलती है मेरे बेटे का तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बात बात पे घर छोड़ के चला जाता है। आर यू गेटिंग मी एवरीबडी? क्यों चला जाता है? क्योंकि 2-3 जनरेशन पहले एक बच्चा घर छोड़ के चला गया, और उसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ गई। वो पहले बहुत बच्चे हुआ करते थे, 8 8 10 10 12 12 बच्चे एक फैमिली में, तो कौन ध्यान रखेगा? सो दैट इज हाउ योर एंसेस्टर रिप्रेजेंट देमसेल्फ, कि देखो मेरे मेरे को आप भूलो मत, मैं यहाँ हूँ। तो व्हेन वी एक्नॉलेज देम, व्हेन वी रिकग्नाइज देम, वी गिव देम देयर प्लेस इन द फैमिली, कि भाई भले ही आप चले गए हो, बट फॉर अस यू आर स्टिल देयर, तब वो प्रॉब्लम रिजोल्व होती है, तब वो जो फीलिंग पर्सन को होती है वो अपने आप रिजोल्व हो जाती है। अंडरस्टैंड, ये चीज आपको समझ में आई? ये फिर भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको इसको पूरी तरह से एक जो इसका बेसिक है वो बताती हूँ।
सबसे पहले ये फैमिली कॉन्स्टेलेशन है, जिसको फैमिली थेरेपी भी कहा जाता है और सिस्टमैटिक थेरेपी भी कहा, सिस्टमिक थेरेपी भी कहा जाता है. ओके, इट इज फ्रॉम जर्मनी. ओके, बर्ट हेलिंगर इज द फाउंडर ऑफ दिस मोडालिटी. ओके, एंड बर्ट हेलिंगर खुद जुलू ट्राइब, जो कि अफ्रीका में है, वहां पे उन्होंने खुद 10 साल से ज्यादा टाइम निकाल के इस थेरेपी को तैयार किया गया. जो कुछ भी आप इस थेरेपी में सीखेंगे वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. वो सारे एक्सपीरियंसेस, जब ये थेरेपी बना रहे थे हेलिंगर, तब उन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं. ओके, उसमें देखा गया है कि जब हम वो सारे चेंजेस फैमिली में करते हैं, जब अपने मरे हुए लोगों को, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको जब हम एक्नॉलेज करते हैं, तब हमारी फैमिली में चेंजेस आते हैं. ये केवल इतना ही नहीं है, जब आप फैमिली कॉन्स्टेलेशन करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि वी आर नोबडी, मैं हम कुछ है ही नहीं. अगर मैं आज पैसे की प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, या आज मैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, या मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, उसके रीजंस भी आपके एंसेस्टर और उनके थॉट पैटर्न्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हैं. नहीं तो मुझे